सुनिए मसालों की कहानी कारवा 2.0 पर। नव्या और पलक बात कर रहे थे। पलक ने कहा, देखो वैसे तो ये इतना बड़ा बंगलो है, पर यहां हमारे जैसे 15-16 और हैं, चलेगा? नव्या ने कहा, हाँ मुझे ऐसी ही जगह शांति मिलेगी शायद। पलक ने कहा, अच्छे से सोच लो, बात सिर्फ 2 या 4 दिन रहने की नहीं है, सालों की है। नव्या ने कहा, मेरे मम्मी पापा यहीं पास के एक छोटे से शहर से हैं, यहां रहकर मुझे उम्मीद रहेगी कि शायद शायद वो कभी मिल जाएं। पलक ने कहा, मैं समझ सकती हूं तुम किस हालात से गुजर रहे हो, तुम हमारे साथ वक्त गुजार सकती हो। यहां मेरे साथ मेरे 3 फ्रेंड्स और रहते हैं, हम यहां एक रोड ट्रिप पर आए थे, वैसे भी यहां कोई आता नहीं है, लोगों ने कई सालों पहले ही इस जगह को हॉन्टेड भूतिया करार कर दिया था। बंगलों के ऊपर वाले फ्लोर पर एक कपल रहता है, वो शायद सबसे पहले यहां आए थे कुछ 100-200 साल पहले, पर वो कभी किसी को अपने होने का एहसास नहीं देते, किसी को परेशान नहीं करते। नव्या ने पूछा, और तुम लोग, क्या तुम लोग ऐसा कुछ करते हो जो? पलक ने कहा, नहीं नहीं, आई नो ऐसा कहा जाता है कि जिनकी अचानक डेथ होती है उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलती, और क्योंकि हम चारों दोस्तों की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, हमारे साथ शायद ऐसा होता, पर हम सब यहां शांति से रहते हैं। थैंकफुली वो कही सुनी बातें थी। नव्या ने कहा, चलो अच्छा है, आगे का वक्त शांति से गुजरेगा। पलक ने कहा, हाँ एटलीस्ट तब तक जब तक कोई इस बंगलों को तोड़ के यहां कोई होटल या शॉपिंग मॉल ना बना ले, हम यहां अच्छे से रह सकते हैं। जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना, जिंदगी जिंदगी मेरे घर का सीधा सा इतना पता है, ये घर जो है चारों तरफ से खुला है, न दस्तक जरूरी ना आवाज देना, मेरे घर का दरवाजा कोई नहीं है, है दीवारें गुम और छत भी नहीं है, बड़ी धूप है दो कड़ी धूप है दो, तेरे आंचल का साया चुरा के जीना है जीना, जीना जिंदगी 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 मेरे घर आना आना, जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना। जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना।
ना। मगर अब जो आना तो धीरे से आना, मगर अब जो आना तो धीरे से आना, यहाँ एक शहजादी सोई हुई है, ये परियों के सपनों में खोई हुई है। जिंदगी जिंदगी ओ जिंदगी, मेरे घर आना आना जिंदगी जिंदगी, मेरे घर आना जीना जीना जिंदगी जिंदगी ओ जिंदगी, मेरे घर आना आना जिंदगी जिंदगी, मेरे घर आना।